इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे आपके बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का जो एक पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द नई शिक्षा नीति के अनुसार, सीबीसीएस पैटर्न के अनुसार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डबल इंटरेस्ट सिस्टम वॉज इन्वेंटेड बाई विलियम पिकल्स, जे आर बैटली बॉय, लुकस पैसियोलो की डी आर एन कार्टर। देखिए डबल इंटरेस्ट सिस्टम पे भी मैंने ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो है जिसमें आप मैंने पूरा थ्योरी सेशन बताया हुआ है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। तो डबल इंटरेस्ट सिस्टम जिसे हम कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली, कह रहा है कि ये किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया है। तो जो दोहरा लेखा प्रणाली है दैट वॉज इन्वेंटेड बाई लुकस पैसियोली के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बारे में अगर हम और चीज़ें बात करते हैं तो डबल इंटरेस्ट सिस्टम को इटली के वेनिस नगर में लुका पैसियोली द्वारा सन 1494 में क्या हुआ, स्टार्ट किया गया था। बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम में ये बताया गया था कि इसके अनुसार क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं जिसमें एक को डेबिट किया जाता है और दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द बुक डी कंप्यूटिस्ट स्क्रिप्चराइज रिटन बाई लुकस पैसियोलो वॉज पब्लिश इन द ईयर 1349 जो बुक है लुकस पैसियोली के द्वारा डी कंप्यूटराइज स्क्रिप्चराइज रिटन, ये किसके द्वारा लिखा गया है, मतलब ये तो लिखा गया लेकिन पब्लिश किस साल किया गया है, तो ये पब्लिश किया गया है 1494 में इसको पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम मीन्स जो दोहरा लेखा प्रणाली की सबसे पहली अवस्था क्या होती है, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, पोस्टिंग, क्लासिफिकेशन की ट्राई बैलेंस। तो डबल इंटरेस्ट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, एक को डेबिट किया जाता है दूसरे को क्रेडिट किया जाता है, मतलब हर ट्रांजेक्शन्स के क्या होते हैं, दो रूप होते हैं, दो एक्सपेक्ट होते हैं, मतलब ये होता है आपका डबल इंटरेस्ट सिस्टम। इसमें पूछा है कि सबसे पहला इसमें स्टेज क्या होता है, तो सबसे पहला स्टेज क्या होता है आपका कि ओरिजिनल हम क्या करते हैं, ओरिजिनली उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स करते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, डबल इंटरेस्ट सिस्टम का मतलब होता क्या है, एंट्री फॉर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, एंट्री इन द टू सेट्स ऑफ बुक्स, सी की एंट्री इन टू रियल अकाउंट्स की टू एंट्रीज इन वन सेट ऑफ बुक्स। अभी जस्ट मैंने बताया कि डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें दो अकाउंट्स अफेक्ट करते हैं, एक को डेबिट किया जाता है, एक को क्रेडिट किया जाता है, तो ये होता है आपका डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो इसमें देखिए एंट्री फॉर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन पहला ऑप्शन भी सही है, एंट्री इन टू सेट्स ऑफ बुक्स ये भी सही है, एंट्री इन टू रियल अकाउंट ये भी सही है, एंड टू एंट्रीज इन डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि एंट्री फॉर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस, जब हम ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं दोनों पक्षों में, टू एस्पेक्ट्स में हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ का ए सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव है कि डबल एंट्री सिस्टम कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड ऑल ऑफ दीज। तो देखिए डबल एंट्री सिस्टम होता है वो किस चीज़ की रिकॉर्ड करता है, तो तीन तरह के अकाउंट मैंने ऑलरेडी बताए हैं, पर्सनल अकाउंट जो किसी फॉर्म किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो, नॉमिनल अकाउंट जो एक्सपेंसेस और लॉसेस से, और रियल अकाउंट जितने भी एसेट्स होते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम तीनों तरह के क्या करते हैं, अकाउंट्स में क्या किए जाते हैं, रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग रिक्वायर्स दैट ए ऑल ट्रांजेक्शन्स दैट क्रिएट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट मस्ट क्रिएट क्रेडिट्स टू द लाइबिलिटी और कैपिटल। बी कह रहा है कि ए ट्रांजेक्शन दैट रिक्वायर्स अ डेबिट टू लाइबिलिटी रिक्वायर्स अ क्रेडिट टू एन एसेट्स अकाउंट। किसी कह रहा है कि ए ट्रांजेक्शन दैट रिक्वायर एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड विद द इक्वल डेबिट्स एंड इक्वल टोटल ऑफ क्रेडिट्स की नन ऑफ दिस। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो डबल एंट्री मैंने बताया कि दोनों, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हर एक ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं इक्वल डेबिट्स और इक्वल टोटल ऑफ क्रेडिट से। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम क्या है, ए है साइंटिफिक सिस्टम, बी है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स की ऑल ऑफ दिस। तो देखिए एडवांटेज डबल एंट्री सिस्टम के भी मैंने बताया हुआ है, दोहरा लेखा प्रणाली पहला इसमें क्या होता है कि साइंटिफिक सिस्टम का मतलब ये हुआ
कि जब डबल एंट्री सिस्टम का ये एडवांटेज होता है कि इसमें सारे ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं, रूल के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है, और क्या होता है कि पुस्तपालन को या जो सिस्टम होता है वो दूसरे सिस्टम की तुलना में क्या है, एक वैज्ञानिक प्रणाली है, इसलिए इसे साइंटिफिक सिस्टम बोला गया है। दूसरा एडवांटेज क्या रहा, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना, वित्तीय स्थिति जानना, मीन्स व्यवसाय की जो वित्तीय स्थिति है उसके बारे में जानकारी, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, अपने बिजनेस की स्थिति के बारे में क्या करना, जानने चाहते हैं कि उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, उसकी एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज क्या क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बैलेंस शीट के द्वारा पता लगा सकता है। तीसरा कह रहा है एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट। जब हमने बताया कि इसमें एक को डेबिट किया जाता है, एक को क्रेडिट किया जाता है, तो दोनों एस्पेक्ट हम क्या करते हैं इसमें करते हैं, ठीक है। तो इसमें सारे इसके एडवांटेजेस हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है इम्पर्सनल अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इन टू 2 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, 4 पार्ट के 6 पार्ट। जो अव्यक्तिगत खाते हो, एक पर्सनल होता है, एक इम्पर्सनल, तो इम्पर्सनल अकाउंट्स में इसको क्लासिफाई किया जाता है कितने, 2 पार्ट्स में, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है कि डबल एंट्री सिस्टम ऑन्स इट ओरिजन टू लुकस पैसियोलो, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स की कॉलर। जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये इसकी उत्पत्ति किसने की है, तो लुकस पैसियोली ने की है, ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है कि डबल एंट्री जो प्रिंसिपल है उसका मतलब क्या है, क्या राइटिंग ट्विस द सेम एंट्री, एक ही एंट्री को 2 बार लिखना, राइटिंग ऑल द एंट्रीज ट्विस इन द बुक, किसी है कि हैविंग डेबिट फॉर एवरी क्रेडिट एंड क्रेडिट फॉर ईच डेबिट, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें सही, कि प्रत्येक जमा के लिए नाम तथा प्रत्येक व्यय के लिए जमा करना, मतलब क्रेडिट जो हुआ हमने क्रेडिट किया और जो डेबिट हुआ हमने उसे डेबिट किया, ठीक है। तो इसमें से इसका प्रिंसिपल यही कहता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉलिसी एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, बी है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, सी है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, किसी कन्वेंशन ऑफ मैटरनिटी। देखिए यहाँ आपको क्या बताया गया है, कन्वेंशन यहाँ अकाउंटिंग के आपके जितने भी कन्वेंशन दिए गए हैं उसके बारे में बात किया है, और इस पे मेरा एक और वीडियो अपलोड है ऑलरेडी, थ्योरी सेशन, उसे आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो वो पॉलिसी जहाँ पर न प्रॉफिट और कोई भी मतलब क्या करता है लाभ की आशा ना करें, सभी संभव होने के लिए क्या करें, प्रावधान करें। इसका कारण क्या है, कंसिस्टेंसी का, कि परंपरा का, कि रूढ़िवादिता की परंपरा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म जहाँ पर ये बोलता है कि कहाँ वहाँ पर हमें कोई प्रॉफिट एंटिसिपेट नहीं करनी है, बट सारे पॉसिबल लॉसेस क्या करने हैं उसका प्रावधान करना, तो दैट इज इन कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ अकाउंटिंग आर इक्वल इन डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर अराइजेस ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म की कन्वेंशन ऑफ मैटरनिटी। वो मेथड अकाउंटिंग के जो कि नीतियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, अकाउंटिंग के डिफरेंट इक्वल होती हैं डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में। तो ये क्यों होती है, ड्यू टू द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, मीन्स व्यवसाय का एक अलग अस्तित्व होने, इसलिए ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या हुआ, सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस एंड बिजनेसमैन टुगेदर, बिजनेस एंड क्रेडिटर टुगेदर, बिजनेस एंड डेटर टुगेदर। देखिए मैंने ऑलरेडी अकाउंटिंग से जितने भी रिलेटेड वीडियोस हैं मेरे चैनल पर अपलोड हैं, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। कि अब यहाँ पूछा है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट का मतलब कि बिजनेस जो है, ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस की एग्जिस्टेंस अलग है और जिसमें जो काम कर रहे हैं उनका क्या है, अलग है। तो दोनों का क्या है, वहाँ पर एग्जिस्टेंस जो है वो क्या है, अलग है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा सही, दैट इज सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ, क्या हो जाएगा इसका, सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है।
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल बी इन एक्जिस्टेंस इनडिफिनेट पीरियड परमानेंटली डिफिनेट पीरियड की टेम्परेरी। तो यहाँ पर कह रहा है अगर हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है तो उसने बताया कि बिजनेस जो है वो चलता रहता है, ठीक है, वो क्या करता है चलता रहता है और उसका जो एग्जिस्टेंस है जो उसका अस्तित्व है वो क्या करता है इनडेफिनेट पीरियड के लिए रहता है, वो चलता रहता है वो रुकता नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है रिवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन प्रोडक्शन इज डन गुड्स आर डिलीवर्ड किसी ऑर्डर फॉर गुड्स इज रिसीव्ड कि दी कैश इज रिसीव्ड। तो जो रिवेन्यू होता है वो जनरली रिकॉग्नाइज्ड होता है जब जब गुड्स क्या होते हैं डिलीवर्ड हो जाते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद विच बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। लाइफ टाइम के लिए बोला है तो कंजर्वेटिज्म अकाउंटिंग पीरियड मैचिंग नन ऑफ द अबव। तो किसी इकाई के जीवन काल में जिस मूल संकल्पना पर आधारित विवरण बनाए जाते हैं वो किस पे अकाउंटिंग पीरियड पे ही तो बनाते हैं, लेखांकन की अवधि जो पीरियड है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट टू डिफरेंट एंटरप्राइजेस हैव बीन प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेड इन सिमिलर मैनर द इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबिलिटी रिलायबिलिटी रिलेवेंस की नन ऑफ दी अबव। ये तीनों की मीनिंग्स मैंने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मैंने थ्योरी सेशन जो है अकाउंटिंग उसमें बताया, उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जब हम दो डिफरेंट एंटरप्राइजेस से प्रिपेयर्ड करके प्रेजेंट करते हैं एक सिमिलर मैनर में इन्फॉर्मेशन, तो ये किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो दैट इज इट इज नन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है ए कॉन्सेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइजेस विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज गोइंग कंसर्न मॉनेटरी यूनिट इकोनॉमिक यूनिट की नन ऑफ दीज। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें बिजनेस एंटरप्राइजेस, ठीक है, नॉट सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर, मतलब कभी वो क्या होगा ना तो भविष्य में उसे बेचा जाएगा ना उसका क्या होगा खत्म होगा, तो वो किसमें होगा दैट इज इन गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है द प्राइमरी क्वालिटीज दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। ये रिलेवेंस होता है फ्रीडम फ्रॉम बायस, इट इज रिलेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी की कंपेरेबिलिटी और कंसिस्टेंस होता है कि नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि जो प्राइमरी क्वालिटी होती है जो अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन की वो जब निर्णय लेके डिसीजन मेकिंग के काम में हेल्पफुल आती है, तो दैट इज व्हाट रिलायबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी। नेक्स्ट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज मेड ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ, जो प्रोविजन बनता है बैड डेब्ट्स के लिए वो किस प्रिंसिपल के द्वारा बनाया जाता है, कंजर्वेटिज्म फुल डिस्क्लोजर रिवेन्यू मैचिंग की बोथ है एंड बी। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज मेड ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ किसके द्वारा, ए और बी कंजर्वेटिज्म और रिवेन्यू मैचिंग के द्वारा, ठीक है।